नगर परिषद सोलन में खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में पूर्व कांग्रेस पार्षद सुरख नजर आए। पूर्व पार्षद अमन सेठी, पूर्व मनोनीत पार्षद राजदीप कोयडा ने पत्रकार वार्ता कर इनकी कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि नगर परिषद में जनता द्वारा चुनी गई शहर की सरकार है और पार्षदों द्वारा ही अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुने गए हैं, तो खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष किस पक्ष पर बैठक ले रहे हैं जबकि वह खुद सरकार द्वारा मनोनीत हैं। इस वाक्य पर उन्होंने नगर परिषद अध्यक्ष की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नगर परिषद अध्यक्ष खुद काबिल नहीं है जो खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष से बैठक की अध्यक्षता करवा रहे हैं। उन्होंने इसके लिए नगर परिषद अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर से इस्तीफे की मांग की। इस मौके पर पूर्व पार्षद राजीव कौड़ा ने कहा कि ऐसा आज तक के इतिहास में नहीं हुआ जब सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य चुने हुए पार्षद व अध्यक्ष की बैठक लें। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा द्वारा नगर परिषद को जबरन अपना अड्डा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद पर भाजपा की तानाशाही बिल्कुल भी नहीं चलने दी जाएगी। इन्होंने कहा कि अब नगर परिषद द्वारा बैठक को खादी बोर्ड की कार्यशाला बताकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। इन्होंने पूछा है कि यदि नगर परिषद में खादी बोर्ड से संबंधित कार्यशाला थी तो उसके एजेंडा कहाँ है और बैठक में बोर्ड के अधिकारी क्यों शामिल नहीं हुए। इस मौके पर संजय भंडारी सहित कई लोग मौजूद रहे। पिछले कल खादी बोर्ड के चेयरमैन पुरुषोत्तम गुलेरिया द्वारा जो नगर परिषद की एक मीटिंग जनरल हाउस कॉल किया गया, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और कांग्रेस के पार्षदों ने उसका विरोध जताया है और जनरल हाउस में भी उसका विरोध दर्ज करवाएंगे। एक और जहां पिछले चार माह से यहां पर कोई डेवलपमेंट का कार्य नहीं हो रहा है, लोगों के नक्शे अटके हुए हैं, वहां गुलेरिया जी अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक जीती हुई जहां पे चुने हुए जनता के नुमाइंदे हैं उनका जनरल हाउस बुला रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो नगर परिषद अध्यक्ष हैं देवेंद्र ठाकुर जी उनकी कार्यक्षमता पे भी सवाल उठता है कि क्या वो इतने सक्षम नहीं है। जो एक खादी बोर्ड के चेयरमैन द्वारा जो वहां पे जनरल हाउस लिया गया, इससे ये उनकी कार्यक्षमता पे सवालिया चिन्ह खड़ा होता है कहीं ना कहीं।